तो अब वेटिंग टिकट लेकर नहीं कर पाएंगे सफर। इंडियन रेलवे ने लागू किया ये नया नियम। भारतीय रेलवे द्वारा कई तरह के नियम और कानून आए दिन लागू किए जाते हैं, पर इस वक्त उन तमाम यात्रियों को रेलवे ने जोरदार झटका दिया है जो वेटिंग टिकट होने के बावजूद भी ट्रेन में चढ़ जाते हैं। कई बार ये देखा जाता है कि वेटिंग टिकट रहता है तो किसी भी तरह यात्री अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए खड़े होकर भी सफर पूरी करने को तैयार रहते हैं। लेकिन अब ऐसे लोगों के लिए ट्रेन में चढ़ना मुश्किल हो गया है, क्योंकि रेलवे ने अब वेटिंग टिकट पर रिजर्व डब्बों में सफर करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। और अगर किसी आदमी को ऐसा करते हुए देखा जाएगा तो न केवल उस पर जुर्माना लगेगा बल्कि उसे बीच रास्ते में ही उतार दिया जाएगा। रेलवे द्वारा ये बताया गया है कि अगर आपका टिकट वेटिंग रह गया है तो आप स्लीपर कोच में सफर नहीं कर सकते हैं, भले ही आपने टिकट स्टेशन की खिड़की से ऑफलाइन ही क्यों न खरीदा हो। इस तरह से टिकट खरीद कर अब यात्रा करने वालों पर भी रोक लगा दी गई है। रेलवे के इस नियम से कंफर्म टिकट के साथ सफर करने वाले लोगों को काफी ज्यादा सहूलियत होगी। जो भी अधिकारी ट्रेन में टिकट चेक करते हैं उन्हें भी इसे लेकर सख्ती बरतने का आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि ट्रेन में लगातार बढ़ती भीड़ को कम करने के लिए रेलवे की ओर से ये सख्त कदम उठाया गया है और बताया गया है कि ऑनलाइन टिकट खरीदने पर अगर टिकट कंफर्म नहीं होता है तो रेलवे से रिफंड मिलता है, यानी कि टिकट कैंसिल हो जाता है। लेकिन काउंटर टिकट में यात्री रिफंड नहीं लेकर ट्रेनों में चढ़ जाते हैं, जिससे उन लोगों को परेशानी होती है जो कंफर्म टिकट लेकर यात्रा कर रहे होते हैं, और फिर वेटिंग टिकट वाले यात्री एक डब्बे से दूसरे डब्बे में जगह ढूंढते रहते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। इस नियम के लागू होने से पहले रेलवे का नियम था कि अगर किसी यात्री ने स्टेशन की खिड़की से वेटिंग टिकट खरीदा है तो फिर वो यात्रा कर सकता है। अगर एसी का वेटिंग टिकट है तो वो एसी में भी जा सकता है और स्लीपर में भी वो वेटिंग टिकट के साथ यात्रा कर सकता है। हालांकि ऑनलाइन टिकट पर इस तरह का प्रतिबंध पहले से ही लगा था, क्योंकि ऑनलाइन टिकट अगर वेटिंग रह गया तो वो अपने आप निरस्त हो जाता है। अब अगर कोई रेलवे के इस नियम को तोड़ता है तो उस पर 440 रुपए का जुर्माना लगने के साथ उसे रास्ते में ही उतार दिया जाएगा। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहे अच्छा जी.com।